please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. एडल्ट्री कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने ट्वीट कर तीन तलाक पर लाए गए अध्यादेश को वापस लेने की मांग की है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि क्या मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सबक लेते हुए तीन तलाक पर अपने असंवैधानिक अध्यादेश को वापस लेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज एडल्ट्री को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया। कोर्ट ने एडल्ट्री की धारा IPC की धारा 497 को असंवैधानिक करार दिया है। मेरा मानना यह है, मेरा मानना यह है कि इसको चैलेंज करने की जरूरत है कोर्ट में। यह गलत ऑर्डिनेंस है और यह एक फ्रॉड है। आप देखिए कि ऑर्डिनेंस में फर्स्ट पेज के ऊपर गवर्नमेंट यह बोलती कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि जजमेंट में कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक हैज बीन सेट असाइड। अब ये हाल हमारे लॉ मिनिस्टर का है बिचारों का। तो बड़ी खबरों का दिन है सुप्रीम कोर्ट में। आज भी लगातार दूसरा आज दिन है जब बड़े अहम फैसले हैं जिन पर सुनवाई चल रही है। एडल्ट्री उसमें से एक मामला जिसके लिए महिला भी दोषी है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज दे सकता है इस पर अपना फैसला। और इस पर फैसला सुनाना शुरू भी कर दिया गया है। एडल्ट्री पर आपराधिक कानून IPC की धारा 497 जिसकी संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जा रहा है, पढ़ना शुरू कर दिया गया है। ये कानून महिला और पुरुष को समान नजर से नहीं देखता है और आपराधिक कानून संवैधानिक रूप से पुरुष और महिलाओं के लिए बराबर होनी चाहिए, इस तरह की याचिका डाली गई थी। इसी आधार पर IPC की धारा 497 को चुनौती दी गई है। इससे पहले आपको बता दें, अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय जजों की बेंच ने एडल्ट्री से संबंधित कानून पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जानना चाहा था कि एडल्ट्री संबंधित कानून से जनता की क्या भलाई है, क्योंकि इसमें प्रावधान है कि अगर पुरुष के किसी स्त्री से विवाहेतर संबंध यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसके पति के सहमति से हो तो ये अपराध नहीं होगा। इस चीज को चुनौती दी गई थी। क्या जानकारी मिल पा रही है, अनुराग ढांडा इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अनुराग, फैसला पढ़ना शुरू किया जा चुका है, क्या खबरें अब तक निकलकर सामने आ रही है, दोषी होगी महिला या नहीं? देखिए बिल्कुल, पांच जजेस की बेंच है और उसमें से दो जजेस का फैसला अभी पढ़ा जा रहा है, यानी उसके लिए इंतजार करना होगा कि मेजोरिटी जजमेंट क्या होता है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एक कम से कम इशारा मिल रहा है कि किस तरफ ये जा रहा है। पूरा 497 को लेकर के सवाल किए हैं जस्टिस, चीफ जस्टिस ने भी सवाल किए 497 को लेकर के, कि क्या ये आर्बिट्रेरी नहीं है, क्या ये आइडियल सिचुएशन नहीं है कि पति पत्नी विवाहेतर संबंध रखें ही ना, क्या उस पर सवाल उठाने का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार ऐसा होना चाहिए या कानून ऐसा होना चाहिए कि किसी पर आप सवाल उठा सकें कि वो किससे संबंध रखता है और किससे नहीं। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के अभी जो पूरा जजमेंट है वो पढ़ा जा रहा है और ये साफ इशारा करता है कि 497 को सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्रेरी मानते हुए इसमें या तो इसको इसमें कुछ प्रावधानों को स्क्रैप किया जा सकता है या इसकी परिभाषा में बदलाव इस जजमेंट के जरिए संभव है, जिसके बाद कि अडल्ट्री को इस तरीके से अपराध नहीं माना जाएगा जो अभी एक 1860 का ये कानून जिस तरीके से चला आ रहा है कि अगर महिला और पुरुष में विवाहेतर संबंध होते हैं तो महिला को एक विक्टिम के तौर पर उसमें देखा जाता है और 5 साल तक की सजा का प्रावधान पुरुष के लिए रखा गया है। जो अपील थी, जो याचिका दायर की गई थी वो इस बेसिस पर की गई थी कि महिला और पुरुष में कोई अंतर ना किया जाए, दोनों को एक समान अगर सजा देना है तो दोनों को दिया जाए और अगर दोनों की आपसी सहमति से है तो सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। इस तरीके की याचिका दायर की गई थी और उसी को लेकर के अब फैसला सुना रहे हैं इस वक्त कोर्ट में। बिल्कुल, तो क्या ये माना जाए कि कुछ ऐसा बड़ा इसमें कोई फैसला दिया जा सकता है या फिर एक जनरल न्यूट्रल करने की कोशिश रहेगी कोर्ट की ओर से भी? और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है अनुराग, वो ये कहा जा रहा है कि एडल्ट्री अपराध नहीं है। जी बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रहा था कि जो जस्टिस दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस जो इस वक्त पढ़ रहे हैं अपना ऑर्डर, उसमें सीधे तौर पर ये कहा है कि इट शुड नॉट बी क्रिमिनल ऑफेंस, अडल्ट्री इज नॉट क्रिमिनल ऑफेंस। तो जिसका सीधा मतलब ये है कि आपका जो 1860 से जो कानून चला आ रहा था उस पर सीधे तौर पर सवाल खड़ा हो गया और चीफ जस्टिस इस वक्त जो फैसला पढ़ रहे हैं वो इस दिशा में जा रहा है कि अडल्ट्री
अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अगर कोई आपसी सहमति से अगर विवाहेतर संबंध भी है तो उनको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता और विक्टिमाइज नहीं किया जा सकता है महिला को, और किसी तरीके का अंतर नहीं किया जा सकता है पुरुष और महिला से इस आधार पर कि वो पुरुष है या महिला है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के फैसला आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी अपने ऑर्डर में पढ़ दी है चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कि अडल्ट्री क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। उनका यही कहना है कि मॉरल ऑफेंस हो सकता है या उस पर आइडियल सिचुएशन माना जा सकता है कि इस तरीके का अपराध ना हो, लेकिन इसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जा सकता है क्योंकि दो लोगों की अगर सहमति है तो ये उनके फ्रीडम को भी ब्रीच करता है। तो ये पूरा का पूरा अभी पढ़ते हुए अपना फैसला, जिसमें एक बात कम से कम साफ हो गई कि 1860 के इस कानून पर सवाल खड़े हो रहे हैं आज के फैसले से और इसमें बदलाव हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि हाँ, लेकिन ये तलाक का आधार हो सकता है। देखिए, बिल्कुल तलाक का आधार तो है, उसके लिए अलग से कानून में प्रावधान मौजूद है कि अगर आप फेथफुल नहीं हैं अपने पार्टनर के साथ तो आप तलाक ले सकते हैं उससे। यही चीफ जस्टिस ने अपने ऑर्डर को पढ़ते हुए कहा कि अगर वो तलाक का आधार तो हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर फेथफुल नहीं है या आपका पार्टनर पूरी तरह से विश्वस्त नहीं है आपका, लेकिन ये क्रिमिनल ऑफेंस का आधार नहीं हो सकता है। अगर वो अपनी सहमति से विवाहेतर संबंध कहीं पर बनाता है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो सकता है। हाँ, तलाक का आधार हो सकता है। तो इसी को अभी ये जजमेंट पूरी तरह से डिफाइन करते हुए, जो एक पुराना कानून चला आ रहा था कि अगर दो पुरुष और महिला में संबंध है तो अगर महिला का पति कंप्लेंट कर दे तो उस पुरुष के खिलाफ 5 साल तक की सजा हो सकती है, इस तरीके का जो कानून था उसमें बदलाव होते हुए साफ नजर आ रहा है जिस तरीके से अभी जजमेंट पढ़ा जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया था अनुराग कि महिला भी उतनी ही दोषी है, उसको भी उस तरह से सजा मिलनी चाहिए जो कि नहीं मिलती है। अगर महिलाओं को ये फ्रीडम दिया गया है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी यहाँ पर बात होनी चाहिए, ये भी दलील दी गई। देखिए, बिल्कुल ये दलील भी दी गई और मैं जो अभी देख रहा हूँ जजमेंट में भी उसका जिक्र आ रहा है कि महिला और पुरुष को आप इस आधार पर कि वो महिला है या पुरुष, उनके बारे में दो कानून नहीं हो सकते हैं। तो ये साफ तौर पर इशारा ये भी कर रहा है कि इक्वेलिटी को भी कंसीडर किया गया है जजमेंट में। हमें अब भी इंतजार करना होगा थोड़ा सा कि फाइनल जजमेंट में क्या आता है। जी बिल्कुल, जेंडर न्यूट्रलिटी की बात बिल्कुल शुरू में अपना जब फैसला पढ़ना शुरू किया चीफ जस्टिस ने, उसी में उन्होंने कहा कि महिला या पुरुष होने के आधार पर आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि वो अपराध है वो चीज़ या नहीं है। तो सीधे तौर पर जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ भी बात की, जेंडर इक्वलिटी की तरफ भी बात की, और वो पूरा जब हम ये निकल करके आएगा कि ऑर्डर पूरा क्या है तो उसमें बहुत बारीक चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि ये बहुत बारीक चीज़ें हैं, संबंधों की बहुत बारीकियों पर ये पूरा का पूरा जजमेंट है। तो उसको अगर मोटे तौर पर देखें तो इतना तो कह सकते हैं कि 1860 का जो एक आउटडेटेड लॉ जिसको कह सकते हैं उस पर तो आज सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें बदलाव होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन क्या इसकी बारीकियां होंगी उसके लिए पूरे जजमेंट का इंतजार करना होगा। निश्चित रूप से, लेकिन 1860 के इस लॉ को जिस तरह से बदला गया है और पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है अनुराग कई ऐसे केसेस में जिसमें वक्त के साथ साथ चीजों में या कानून में बदलाव किया गया है, चाहे हम 377 की बात कर ले या उसके बाद कुछ इसी तरह के और मामलों की यहाँ पर बात क्यों ना कर ले, कई अहम और ऐतिहासिक फैसले जो आजकल कोर्ट की ओर से दिए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, ये एक शिफ्ट ऑफ पैराडाइम है आपकी, जिस तरीके से समाज की सोच बदलती है। और अगर आप देखें तो जब 377 की बात हुई थी तो उसमें साफ तौर पर ये कहा था कोर्ट ने कि अब सोच बदल रही है और उसके हिसाब से कानून का भी बदलना ज़रूरी है। तो समाज के हिसाब से कानून होता है ना कि कानून के हिसाब से समाज बनता है। तो ये बात का जिक्र किया था उस वक्त भी जब फैसला पढ़ा गया था। और उसी आधार पर अगर आप देखें तो एक के बाद एक फैसले इस तरीके से आ रहे हैं। कल अगर आप आधार को भी देखें तो आधार में भी जजमेंट ये आया कि अब वक्त की ज़रूरत है कि आपका जो डाटा आप लेते हैं उसकी सिक्योरिटी का ख्याल सरकार रखे और उसके पूरे बंदोबस्त करे। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, चूंकि चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट नज़दीक है तो ज़्यादातर बेंचेस जिनमें बहुत महत्वपूर्ण फैसले जो बहुत महत्वपूर्ण मामले चल रहे थे उनमें जहां पर कंक्लूड हो सकते थे उन मामलों को कंक्लूड किया जा रहा है। और आपको नहीं लगता है कि अब इससे इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, रिश्तों पर किस तरह से असर पड़ेगा, क्या प्रभाव और ज़्यादा प्रभावित होंगे, आपको नहीं लगता है? देखिए, इसको लेकर के कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि जो पर्सनल फ्रीडम है उसमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। ये
ये समाज को अपने आप में मानना है कि वो आइडियल सिचुएशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पर कोर्ट में अभी चीफ जस्टिस ने जब अपना जजमेंट पढ़ा तो उन्होंने कहा कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आइडियल सिचुएशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी, जो अभी हमारी सोसाइटी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और आइडियल सिचुएशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। देखिए कि दीपक मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा जब पढ़ रहे हैं तो उन्होंने ये भी कहा है कि डिक्लेयर 497 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सीआरपीसी रिलेटेड टू दिस इज ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो सबसे बड़ा फैसला जिसको कि लगातार चुनौती दी जा रही थी कोर्ट में, वो अब हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि 497 अडल्ट्री का जो लॉ था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, जो कि विवाहेतर संबंध को लेकर के 5 साल की सजा का जिसमें प्रावधान था वो अब साफ तौर पर असंवैधानिक करार दे दिया गया। तो एक बड़ा फैसला है, एक पूरे तरीके से पैराडाइम शिफ्ट है, सोच का बदलाव है और कानून में बदलाव के साथ साथ एक पर्सनल फ्रीडम की तरफ जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरीके से अपने आदेश में जो अपनी बात रख दी है, उससे ये भी साफ है कि अब सोच का तरीका और जो समाज का तरीका है वो भी अब इस कानून उनके आधार पर अब कानून भी बदल रहे हैं। निश्चित रूप से लेकिन अनुराग, हम इस बीच उन दलीलों की भी बात करेंगे, क्या वो दलीलें थी जिनको ध्यान में रखा गया, क्या वो ऐसी चीजें थी जिनको दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि जोसेफ चाइन ने जब ये कहा था याचिका में तो ये भी लिखा था कि समय के साथ साथ कानून में बदलाव की जरूरत है, चीजें बदल रही है, समाज बदल रहा है, 1860 का जो ये कानून बना हुआ है या ये बात बनी हुई है उसको उसमें बदलाव की जरूरत है। देखिए बिल्कुल दलीलों की भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हम 5 जजेस बेंच में जो हम कह रहे थे, अभी तक 2 जजेस का जजमेंट पढ़ा जा रहा था, चीफ जस्टिस जो जजमेंट पढ़ रहे थे उसके बाद अब जो तीसरे जो जज हैं वो जस्टिस नरीमन अपना जजमेंट पढ़ रहे हैं और उन्होंने अग्री किया है, जो पहले 2 जजेस का जजमेंट है उन्होंने सेपरेट जजमेंट जरूर लिखा है लेकिन उन पॉइंट्स से अग्री किया है। तो इसका मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर 497 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको स्क्रैप कर दिया गया है 497 को और अडल्ट्री अब अपराध की क्रिमिनल ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आता है। और तो ये अब की श्रेणी में नहीं आता है और किसी तरह की कोई सजा भी नहीं होगी। अनुराग जी बिल्कुल, सीआरपीसी से ही बाहर कर दिया है उसको, तो इसलिए सजा का कोई उस पर मतलब ही नहीं रह गया है, उसको क्रिमिनल प्रोसीजर से ही बाहर कर दिया है, 497 है ही नहीं, तो जब कानून नहीं है तो उसमें सजा का प्रावधान तो हो ही नहीं सकता है। तो आप अब सिर्फ इसके आधार पर आप तलाक डिमांड कर सकते हैं कि आपके जो पति या पत्नी है उस वो विश्वस्त नहीं है, विश्वास नहीं है उनमें आपका, इसके आधार पर तलाक डिमांड कर सकते हैं आप, उसके अलावा कोई क्रिमिनल ऑफेंस अब ये नहीं बनता। और जहां तक आप बात कर रहे थे कि दलीलें क्या, तो इस याचिका के जरिए चैलेंज ही पुराने जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का उसको चैलेंज ही इस आधार पर किया गया था कि इसमें अपने आप ही इस तरीके के जो संबंध होते हैं विवाहेतर संबंध उसमें अपने आप ही महिला को विक्टिम मान लिया जाता है और जो पुरुष है उसको क्रिमिनल मान लिया जाता है। तो इसको चैलेंज करके ये याचिका डाली गई थी कि क्यों दोनों को इक्वल तौर पर ट्रीट नहीं किया जाता है, अगर संबंध दोनों की मर्जी से हैं तो या तो दोनों को सजा होनी चाहिए और अगर सहमति को सुप्रीम कोर्ट आधार मानता है तो फिर दोनों को सजा नहीं होनी चाहिए, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। तो इस आधार पर यह याचिका डाली गई थी और इसी तरीके की दलीलें दी गई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया पूरी तरह से। निश्चित रूप से, तो अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी इस बाबत हमें जानकारी दे रहे हैं, एक बड़ा फैसला, अहम फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से एडल्ट्री मामले में दिया गया है, 1807 का जो कानून जिसे पलट दिया गया है, काफ़ी समय से इस पर ये बात चल रही थी और ये भी कहा गया था कि इस पर बदलाव की ज़रूरत है, बदलाव होना चाहिए, और साथ ही साथ ये कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसमें ये औरत को एक तरह से विक्टिम मान लिया जाता था और सज़ा अगर जो पुरुष है उसको मिलती थी, तो उसमें ये याचिका में ये कहा गया था कि उसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों की मर्जी से अगर ये संबंध है तो दोनों की मर्जी से है, तो या तो सज़ा हो तो दोनों को हो और ना ही सज़ा हो तो दोनों को ना हो, किसी एक को आखिर क्यों सजा हो या विक्टिम जो है वो महिला ही क्यों आखिर इसमें हो। तो इस कानून को ही आप कह सकते हैं कि खत्म कर दिया गया है, किसी तरह की कोई इसमें सजा भी नहीं है, क्योंकि कानून ही जब खत्म हो गया है तो फिर सजा को कोई मतलब भी यहाँ पर नहीं रह जाता है। तो कोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला, ये कहा गया है कि एडल्ट्री अपराध नहीं है। तो अहम फैसला ये 497 की एडल्ट्री पर अपराधी कानून, संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम ऐतिहासिक फैसला जो है वो सुनाया गया है, विवाह से अलग संबंध अपराध नहीं है। हाँ, ये तलाक का आधार हो सकता है लेकिन ये अपराध नहीं है।
अनुराग ढांडा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी इस पर फैसला सुनाया ही जा रहा है, पढ़ाया ही जा रहा है, जो जो चीजें निकल कर आ रही है, जो पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं वो अनुराग हमें लगातार बता रहे हैं। अनुराग, कुछ और अपडेट्स, कुछ और ऐसी चीजें जो सामने निकल कर आई हो भीतर से? देखिए बिल्कुल, हम बात कर रहे थे कि डिटेल जजमेंट जब आएगा तो उसमें तमाम चीज़ें निकल कर के आएंगी। कुछ पॉइंटर्स और हैं, जैसे जस्टिस दीपक मिश्रा ने ये कहा है कि अडल्ट्री इज़ नॉट कॉज ऑफ अनहैप्पी मैरिज, इट मे बी अ रिजल्ट ऑफ अनहैप्पी मैरिज। तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो विवाहेतर संबंध को हम ये मान लेते हैं कि इसकी वजह से शादी खराब हो रही है, वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि शादी खराब है इसलिए विवाहेतर संबंध हो रहे हैं, ये हो सकता है। तो निश्चित तौर पर जस्टिस जो चीफ जस्टिस है उन्होंने अपने फैसले में ये कहा है पूरे तरीके से कि 497 को स्क्रैप किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि एहतशाम अब हमारे साथ आ चुके हैं जो अभी ये जजमेंट पूरा सुन करके आए हैं। एहतशाम, थोड़ा सा अगर दर्शकों के लिए बताएं कि 497 स्क्रैप होने का मतलब ये है कि विवाहेतर संबंध अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। बिल्कुल, एडल्ट्री जिसको अब तक एक जुर्म माना जाता था और इसमें 5 साल की सज़ा हो सकती थी किसी भी मर्द को अगर वो किसी की पत्नी के साथ किसी तरह का संबंध, इस तरह का संबंध बनाता है तो, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये देखा है कि ये एक महिला की डिग्निटी का सवाल है, क्योंकि ये जो पूरा कानून है वो महिला की जो इज्जत है उससे खिलवाड़ कर रहा है और साथ ही साथ उसकी जो अपनी पहचान है, उसकी अपनी निजता है, उसके अधिकारों का हनन है। इसलिए कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसा जो पहले माना जाता था कि लोग एडल्ट्री की वजह से शादीशुदा जिंदगी खराब होती है, ऐसा नहीं है, बल्कि दरअसल हकीकत यह है कि शादीशुदा जिंदगी अगर अच्छी नहीं हो, अनहैप्पी हो, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। दोनों चीजें माने एहतशाम की, दो ग्राउंड लिए कोर्ट ने, एक निजता को और एक अगर कहें कि आपसी सहमति के जरिए जो हो रहा है इस तरीके का संबंध, उन दोनों को ग्राउंड माना और ये कहा कि इस तरीके की अपराध की श्रेणी में नहीं आता। देखिए, ये जो पूरा कानून था ना उसमें ये कहा गया था कि एक महिला जो है वो एक प्रॉपर्टी की तरह से है एक अपने हस्बैंड की, और इसीलिए अगर उसकी पत्नी को कोई चोरी करता है या चुराता है, उसके साथ कोई संबंध बनाता है, तो फिर उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। इस पूरे आइडिया को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है और ये कहा है कि ये औरत की डिग्निटी का सवाल है और उसमें जो आज का जो जिस वक्त में हम रहते हैं वहाँ पर औरत को एक प्रॉपर्टी की तरह से नहीं देखा जा सकता, इसलिए ये जो पूरा कानून ही है उसको रद्द कर दिया गया। यहाँ जो याचिका आई थी वो मांग ये करना चाह रहे थे कि अगर कोई पुरुष को सजा दी जाती है तो उस महिला जो संबंध बनाती है उसको भी सजा दी जाए, लेकिन हुआ ये कि कोर्ट ने पूरे उस प्रावधान को जो आईपीसी की ये सेक्शन है उसको ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर कानूनी माना है। एहतशाम, इसका असर क्या होगा अगर ये कहें कि जितने भी मामले इस तरीके के विवाहेतर संबंध के अभी चल रहे होंगे कोर्ट्स में, तो क्या उन सब मामलों में बरी हो जाएंगे सब लोग? देखिए, ये रेट्रोस्पेक्टिव में ये चीज़ें, कानून जब भी कोई जजमेंट आता है तो रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं लिया जाता, लेकिन हाँ, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है तो अब निचली अदालतों में जो मामले लंबित हैं उसमें मैजिस्ट्रेट अब अपने विवेक पे तय करेगा कि अब इस तरह का जजमेंट आ गया तो उसको क्या, किस तरह से इस पूरी चीज़ को देखना चाहिए। लेकिन भविष्य के लिए अब साफ हो गया कि अडल्ट्री यानी कि जो शादीशुदा औरत के साथ संबंध बनाना पहले एक जुर्म था जिसमें 5 साल की सज़ा हो सकती थी, वो अब नहीं रहे। इससे पहले कि हम वापस स्टूडियो में चलें, एहतशाम, एक आखिरी चीज़ कि आखिरी दिनों में बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आ रहे हैं, क्या ये माने कि चीफ जस्टिस रिटायर होने से पहले सारे बड़े मामलों को निपटा रहे हैं? देखिए, किसी भी जज को, ना सिर्फ चीफ जस्टिस बल्कि किसी भी जज के पास जो भी मामले होते हैं उनको अपने रिटायरमेंट से पहले उन सब को निपटाना होता है, और मुख्य न्यायाधीश के पास जाहिर सी बात है कि बहुत अहम केस होते हैं, और ख़ासतौर से पिछला जो एक साल गुजरा उसमें बहुत बड़े बड़े मुद्दे, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए मुद्दे आए हैं जो शायद पहले आप अगर कंपेयर करें 5-7 साल पहले नहीं थे। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा जजमेंट्स हैं जो अब देखने को मिलेंगे अगले 2 दिन में, और तो अगले 2 दिन में और इस तरीके के बड़े जजमेंट्स आ सकते हैं। और आज भी अगर आप बताएं, अगर आप सबसे थोड़ी देर बाद सुनवाई होगी अयोध्या के मामले पर, अयोध्या के विवाद से जुड़े हुए मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से रीडिफाइन कर रहा है मॉडर्न कल्चर को, मॉडर्न समाज को, और उससे जुड़े हुए तमाम अहम फैसले लगातार आ रहे हैं। निश्चित रूप से आप नजर बनाए रखिए अनुराग और एहतशाम, हम अयोध्या वाले मामले पर भी आपसे जल्द ही अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।